नमस्कार। जन सरोकार मंच की शायद आदत सी हो गई है सवाल उठाने की, चिंतक और विचारों को सामने लाने के लिए, ऐसे विद्वान लोगों को सामने लाने की। उसी सीरीज में आज हमारे बीच दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद जैन। डॉक्टर प्रकाश चंद जैन ने बहुत मार्मिक और बहुत शोध परक किताबें भी लिखी। पहली लिखी भारत संस्कृति और सांप्रदायिकता, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताब आई उनकी, जिसमें लिखा है उन्होंने कश्मीर यथार्थ और मिथक। दोनों किताबें बहुत पठनीय हैं और बहुत चर्चित रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो है, जैन साहब गांधी दर्शन को बहुत पढ़ते और समझते रहे हैं और अपनी विशेष पहचान रखते हैं, गांधी संस्थानों से जुड़े हुए हैं और वहां मुख्य अतिथि की तरह, अपने मुख्य वक्ता की तरह संबोधन भी करते रहे हैं। तो आज अपने आज के सवाल सीरीज में जो श्रृंखला चल रही है अपनी, उसमें आज जैन साहब के सामने एक सवाल रख रहा हूं कि जहां एक और पूरे विश्व स्तर पर गांधी को इतना माना जाता है, इतना सम्मान है, फिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि गांधी पर ही प्रश्न लगाए जा रहे हैं? ये मुझे लगता है ये भी एक बड़ा सवाल है आज का। तो जैन साहब से आग्रह करूंगा कि इस विषय में अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार से अपने प्रबुद्ध श्रोताओं को, जन सरोकार मंच को, सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। सक्सेना साहब और भाई देवेंद्र जी जोशी, आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का आपने जन सरोकार मंच उपलब्ध कराया। और प्रश्न उठाया कि एक ऐसे व्यक्ति जिसकी पहचान पूरे विश्व स्तर पर है और जिस रास्ते को लेकर वो आजादी के आंदोलन में आए, उसी रास्ते को कई नेताओं ने उनका अनुकरण करते हुए अपने देश को नस्ल भेद से आजाद कराया। सबसे बड़ा उदाहरण मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला का हो सकता है। ये सवाल जो किया गया उस पर आऊं, उससे पहले गांधी की महानता के बारे में दो वक्तव्य देना चाहूंगा मैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहते हैं कि मैं अमेरिका से किसी बाहर विदेश की यात्रा पे होता हूं तो मैं एक प्रवासी की तरह होता हूं, पर यदि मैं भारत जाता हूं तो मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में होता हूं। और इसका कारण वो ये बताते हैं कि क्योंकि ये गांधी की भूमि है, इसलिए ये मेरे लिए एक तीर्थ स्थान से कम नहीं है। दूसरी बात है कि गांधी की जो बड़ी प्रामाणिक जीवनी लिखी लुई फिशर ने, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को भी काफी कवर किया था, अमेरिकी पत्रकार थे, यहां रहकर
महीनों तक गांधी से और गांधी से जुड़े हुए व्यक्तियों से मुलाकात करके उनकी एक बहुत शानदार जीवनी लिखी। और उसके बाद ही ऐसा कहा जाता है कि गांधी को पढ़ने का समझने का चलन शुरू हुआ, वो लुई फिशर की जीवनी। तो लुई फिशर क्या कहते हैं कि आज के मानव समस्या का समाधान अगर है तो वो गांधी के मार्ग पर चलने पर ही है। तो ये दो उदाहरण देने का अभिप्राय केवल इतना सा है कि अब कहने की जरूरत नहीं है कि गांधी कितने महान थे और उनकी प्रासंगिकता आज के समय में और बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए बात तो हम ये बड़ी विडंबना है कि बात तो हम करते हैं कि हम ज्ञान विज्ञान की बड़ी ये एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जिसमें बड़ा प्रचुर मात्रा में ज्ञान विज्ञान से समृद्ध हुआ है, व्यक्ति बड़ी बड़ी सुविधाएं जुटा ली है, ये सच है। पर क्या मानवीय मूल्य में संवर्धन हुआ है या ह्रास हुआ है, ये देखने वाली बात। तो मेरा ये मानना है कि भले ही आज की सदी को हम बड़े ज्ञान विज्ञान की सदी कहें, पर मानवीय गुणों में जो संवर्धन होना चाहिए था और इसलिए होना चाहिए था कि हमारे पास बड़ा एक समृद्ध अतीत रहा है, उसको पढ़कर समझकर आत्मसात करते हुए मानवीय मूल्यों के विकास में जो एक आगे विस्तार होना चाहिए था, वो मुझे थोड़ा कम इसलिए दिखाई देता है कि देखिए मनुष्य के व्यक्तित्व में जो निखार या विकास आता है वो कई है, सत्य है, नैतिकता है, सारी बातें हैं, पर एक बात और है, वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। अगर मानव में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो मैं सोचता हूं कि इससे बुरी बात हो नहीं सकती। तो ये कृतज्ञता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर संघर्ष किया, तपस्या की, अपमान झेले, जेले भुगती और जाने क्या क्या कष्ट सहे और एक मानव इतिहास का ऐसा शस्त्र का विकास किया जो मानव इतिहास में पहले नहीं था, जिसका नाम हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होने के बजाय, कृतज्ञ नहीं हो तब तक ठीक है, पर कृतज्ञता होना यानी उसको हर बात के लिए दोषी ठहराया जाना आज के संदर्भ में, तो इससे मैं क्या विडंबना ही कहूंगा या मनुष्य की ओछी मानसिकता ही कहूंगा कि जिस व्यक्ति ने हमें भय से मुक्ति दिलाई, सत्य के रास्ते पर आगे चलना सिखाया, अहिंसा पर चलना सिखाया और कई
शारीरिक श्रम पर उन्होंने जोर दिया, स्वदेशी पर जोर दिया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता, और फिर उसको हर चीज के लिए जिम्मेदार, कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार, गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, यानी नेहरू का फेवरेट फेवर किया, सुभाष को सहयोग नहीं किया, अछूतों के लिए क्या किया, भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया, दक्षिण अफ्रीका में श्याम वर्णी लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव रखा। और सबसे बड़ा आरोप यहाँ तक है कि गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़ी कठोरता से व्यवहार किया, उनके साथ अन्याय किया, उनके बेटों का कैरियर नहीं बनाया, आज की परिभाषा में अगर अपन देखें तो। देखिए, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, पर उनको समझने के बाद या उनको पढ़ने के बाद अगर आप असहमति होती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, पर आप कुछ पढ़ो नहीं, जानो नहीं, और उसके पहले ही सब चीजों के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराए, मैं ऐसे उचित नहीं मानता। तो हर बात के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराना, जैसे अब मैं बिंदुवार लेता हूं, पहले उनके परिवार से ही बात शुरू करता हूं। सबसे पहली जो पहला जो आरोप है वो ये ही है कि साहब गांधी अपने परिजनों के प्रति बड़े कठोर थे। हाँ, ये सच है कि गांधी के नजदीक जो कोई भी रहा, चाहे वो उनका पारिवारिक सदस्य हो या उनके गुणों से प्रभावित होकर भक्ति भाव से समर्पित होकर उनके आश्रम में रहने वाला आया हो, अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से तो बड़े कठोर थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ऐसा कठोर नहीं कि जिसे हम ये कहें कि गांधी जो है कस्तूरबा के प्रति बड़े निर्दयी थे, साहब बड़े कठोर पति थे। मैंने जितना गांधी को पढ़ा समझा, एक उनके जीवन में उदाहरण आता है कस्तूरबा के साथ, जब वो एक थोड़ा सा उनके ऊपर नाराज होते हैं कस्तूरबा पर, 62 साल के दाम्पत्य जीवन में एक अवसर आया केवल। होता क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जब वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में वहां प्रचलन क्या था कि रात को कमरों में सोने वालों के लिए पेशाब का बर्तन कमरे में रखा जाता था और वो सुबह उठ के बाहर फेंका जाता था, और ये काम गांधी करते थे। और उनके यहाँ क्या है कि मुवक्किल और खूब जो है लोग आया करते थे सलाह मशवरा के लिए और मार्गदर्शन के लिए। तो एक पोर्ट जो है वो बिजी थे, वो खाली नहीं कर पाए होंगे, कस्तूरबा ने खाली कर दिए होंगे, एक पोर्ट खाली नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि कस्तूरबा से कहा कि ये पोर्ट कैसे, तो कस्तूरबा, अच्छा वो क्या है कि एक्चुअली वो किसी अछूत का था वो पोर्ट। गांधी ने कहा कि भाई ये फर्क नहीं होना चाहिए, तुमने बाकी पोर्ट खाली कर दिए तो ये भी पोर्ट खाली होना चाहिए। तो कस्तूरबा अनमने भाव से उठाने लगी, वो भी गवारा नहीं हुआ गांधी को, ऐसा नहीं अनमने भाव से नहीं, खुशी खुशी करो ये काम। तो वो कस्तूरबा थोड़ी सी, क्योंकि अब आज से 100 साल पुरानी जो बात है, आज तो बात ही और है, तो इस बात को लेके और थोड़ा सा जब उनके मन में संकोच रहा, तो गांधी उस समय थोड़ा कस्तूरबा पर क्रोधित हुए और उनका हाथ पकड़ के दरवाजे के बाहर ले गए और भाई तुम निकल जाओ, इस घर में नहीं रह सकती। कस्तूरबा ने कहा कि ये क्या करते हो, ये अच्छा नहीं लगता। फिर गांधी का विवेक जागा
और वो शर्मिंदा हुए, माफी, हाथ जोड़कर माफी मांगी कि भाई क्षणिक आवेश में मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है इस घटना के। और ये आप देखे एटनबरो की जो फिल्म गांधी है उसमें भी ये दृश्य है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा गांधी का व्यवहार कस्तूरबा पे कभी भी जो है कठोरतापूर्ण या अन्यायपूर्ण नहीं रहा, बल्कि बड़ा, अच्छा इस घटना को लेकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है, पतिपना सब एक अध्याय है उसमें भी किया है। तो पतिपना तो था ही उनमें, पर वो क्या कि धीरे धीरे इस बात को समझते रहे और उनमें बड़ा प्रेम रहा। और आपको पता है कि गांधी की जो धर्म पत्नी कस्तूरबा है, उनकी इच्छा थी कि मैं बापू की गोद में ही अंतिम सांस लूं, और उनकी इच्छा पूरी हुई जब आगा खां महल में वो जब कैद थे तो उनकी गोद में अंतिम सांस ली। तो देखिए कि जिस व्यक्ति की पत्नी जेल में गुजर रही है, और जेल किसके लिए गए थे, वो कोई अपने अधिकारों के लिए या कोई अपने किसी अपराध के लिए जेल गए थे, वो हमारे आपके लिए स्वतंत्र होने के लिए जेल गए थे, और वहां उनकी पत्नी गुजर जाती है, उसके बाद भी जो है बाहर निकल के वापस अंग्रेजों से जो है वही आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात है, तब ये कैद हुए थे आगा खां पहल में, ये बात है। तो गांधी ऐसा नहीं है। दूसरा दूसरा प्रकरण लेते हैं, साहब उन्होंने अपने बेटों की परवरिश ढंग से नहीं। हाँ ये सच है कि गांधी ये चाहते थे कि मेरे बेटे जो है ना किसी औपचारिक शिक्षा न ग्रहण करें, आश्रमी शिक्षा ग्रहण करें, सारी चीजों का ज्ञान हो पर वो आश्रम जीवन जिए एक तरह से। तो हरिभाई की घटना है, उनका सबसे बड़ा बेटा हरिभाई, वो क्या है कि उनके गांधी के एक मित्र ने इंग्लैंड से ये कहा था कि आपके आश्रम से किसी एक व्यक्ति को या आप जो है लो करने के लिए भेज दो, बैरिस्ट्री करने के लिए, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तो हरिभाई की इच्छा हुई कि शायद बापू मुझे भेजेंगे, तो बापू ने किसी दूसरे युवक को भेज दिया। हरिभाई थोड़े नाराज हुए, चलो ठीक हो गई बात। वो लड़का जिसको भेजा गया था वो किसी कारण से वो पूरा पढ़ नहीं पाया, वापस आ गया। उनकी जगह फिर किसी दूसरे युवक को भेजना था, तो गांधी ने इस बार भी हरिभाई को नहीं भेजा। गांधी की शर्त यह थी कि भाई बैरिस्ट्री करने जो भी जाएगा वो बैरिस्ट्री करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर वापस आकर आश्रम में ही रहेगा, आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा और आश्रम में ही लोगों की सेवा करेगा। औपचारिक उस तरह से डिग्री लेके और धनोपार्जन करे ऐसा कोई वो नहीं था। हरिभाई ये चाहता था कि भाई बैरिस्ट्री करूं और मैं बैरिस्टर बन के और वकालत करूं, तो गांधी ने नहीं भेजा। तो ये इस जैसे वो हरिभाई नाराज होकर दक्षिण अफ्रीका छोड़ के भारत आ भी गए, और वो दोनों का बाप बेटों का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, वो नाराज ही रहा। उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, कस्तूरबा ने खूब समझाया, नहीं आया। गांधी ने भी लिखा भाई तुम आ जाओ, और तुम्हारी जगह जो मैंने महादेव भाई देसाई को दे रखी है वो सुरक्षित है, अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हें, पर वो नाराज नहीं आया। पर आप देखिए कि गांधी ने अपने बेटों का फेवर नहीं किया। अब यहाँ अगर देखा जाए तो अब चूंकि गांधी ने बेटे को नहीं भेजा तो उन पर इल्जाम लगाने वाले क्या कहते हैं, देखिए साहब बेटे को ही शिक्षा के लिए नहीं भेजा, अगर वो भेज देते तो वही लोग ये कहते हैं कि देखो आप आश्रम में दूसरे युवक को नहीं भेज कर अपने बेटे का फेवर लिया और बेटे को भेज दिया साहब, अपने बेटे का फेवर नहीं। तो ऐसे महान लोगों के लिए दोनों तरफ से मरण होता, अगर वो बेटे को भेज देते तो भी उनपे छिटाकसी होती, नहीं भेजा तो भी प्रश्न उठाते हैं कि साहब बेटे के साथ अन्याय किया, और ऐसा अन्याय किया कि हरिभाई गांधी जो है आजीवन उनसे नाराज ही रहे और अलग ही रहे। खैर एक तीसरी घटना, और अपने एक बेटा था उनका मणिभाई गांधी,
वो क्या है कि जब गांधी वहां दक्षिण अफ्रीका में थे तो एक पेपर निकालते थे इंडियन ओपिनियन, और ये फिनिक्स आश्रम में स्थापित किया था। तो 1915 में जब गांधी भारत लौट कर आए तो अपने बेटे मणिभाई गांधी को वहीं छोड़ आए थे, भाई प्रेस को चलाने की तुम्हारी जिम्मेदारी, वो वहीं रह गए। अब मणिभाई ने गांधी को यहाँ आने के बाद लिखा कि मुझे जो है ना एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया है, ये 1926 की बात है, और मैं शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम था फातिमा गुल, और वो फातिमा भी चाहती थी मणिभाई से शादी करना, और वो ये चाहती थी कि भाई मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगी, हिंदू हो जाऊंगी और मैं शादी कर लूंगी। हुआ क्या है, 1920 का आंदोलन जब 1922 में गांधी ने स्थगित कर दिया, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ गई है अचानक से। मोपला कांड हुआ, कोहट कांड हुआ, जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, और गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और उन्होंने उपवास भी किए थे इनके खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में अगर गांधी उसको इजाजत दे देते हैं तो गांधी पर सबसे बड़ा इल्जाम ये आता कि साहब देखिए ये मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करते हैं और फिर अपने बेटों से शादी करा। तो उस समय गांधी ने मणिभाई को फातिमा से शादी करने के लिए जो मना किया उसका आधार सामाजिक नहीं था, राजनीतिक था। उस परिस्थिति में वो इजाजत नहीं दे सकते थे, इसका हिंदू मुस्लिम संबंधों पर प्रतिकूल असर हो सकता था, और गांधी की जो छवि थी हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत के रूप में और जो अपील करते थे उस पर पछता लग सकता था। इस वजह से तो लोग कहते हैं कि साहब देखिए आप यूं तो कहते हो साहब मैं बड़ा जो है इंग्लैंड में पढ़ा लिखा हूं और ये है, और आपने जो है ना जात मजहब का और बात मानी और अपने मजहब से छोड़कर दूसरे मजहब की बेटी से बेटे को शादी नहीं करने दी। बात वो नहीं थी, बात जो मैंने बताई वो ये थी कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बड़ा जोर 1920 के मतलब 22 के बाद कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और बड़ा फर्क पड़ा, और यहीं से शुरुआत हुई थी ये मान लीजिए आप भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की। तो ये बात है, अंतिम बात परिवार की ही केवल। उनका एक बेटा था रामदास, सबसे छोटा बेटा, एक बेटा देवदास था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, सॉरी हाँ देवदास सबसे छोटा देवदास। उसको राजगोपालाचारी जो दक्षिण थे और उनके घनिष्ठ मित्र थे, कांग्रेसी थे, उनकी लड़की लक्ष्मी से प्यार हुआ था और वो दोनों शादी करना चाहते। तो क्या हुआ, अब देखिए 100 साल पहले एक तो अंतरराज्यीय, एक गुजरात और एक तमिलनाडु, और एक बनिए गुजराती बनिए और एक तमिल ब्राह्मण, कल्पना उस 100 साल पहले अंतरजाति विवाह की। तो गांधी ने कहा कि भाई देखे आवे मतलब इस तरह से भावनाओं में बहकर शादी मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं हम निभाएंगे। तो उन शर्त रखी कि भाई 5 साल तुम जो है न पत्र लिखोगे न मिलोगे, और उसके बाद भी दोनों अगर रजामंदी होती है कि हम शादी करने को तैयार हैं तो शादी करेंगे कर दें। तो देवदास ने और लक्ष्मी ने वो वादा निभाया और 5 साल बाद कहा कि हम अभी भी तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है, गांधी ने इजाजत दी, और इस तरह से राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी सब्जी है, उनकी बेटी है और गांधी का बेटे देवदास, दोनों की शादी हुई, बड़ी सफल शादी। और तो कहने का मतलब कि उनके तीन बेटे बड़े उनके काबिल, काबिल तो हरी भाई भी बहुत था, और दक्षिण अफ्रीका में वो उनका बेटा जेल जाने वालों में से था, कम उम्र का 17-18 साल का, और दक्षिण अफ्रीका की जेलें तो जेल से छूट कर आया था तो कस्तूरबा पहचान नहीं पाई थी उसको, इतनी बुरी हालत वहां की जेलों की थी। और आप देखिए अपने बेटों को जेल भेज रहे हैं, खुद जेल जा रहे हैं,
और फिर कह रहे हैं कि साहब गांधी ने ये कर दिया है, गांधी ने वो कर दिया है, गांधी नहीं होते तो अब जाने क्या क्या हो जाता। बहुत सारे इल्जाम है गांधी के ऊपर, बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार।